राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। दोनों नेताओं के बीच इसराइल हमास संघर्ष के ताजा हालात पर भी चर्चा हुई। राष्ट्रपति बाइडेन ने मिस्र से गाजा में सहायता काफिला पहुंचने का भी स्वागत किया। व्हाइट हाउस की तरफ से एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसके तहत बताया गया कि अमेरिका समेत दुनिया के 6 बड़े देशों ने खुलकर इसराइल का समर्थन जताया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो, जर्मनी चांसलर ओलाफ स्कोल्स, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने आपस में बातचीत की और इसराइल को समर्थन देने की बात कही। ईरान ने इसराइल और अमेरिका को चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि अगर गाजा पट्टी में इसराइल तुरंत अपनी सैन्य कार्रवाई नहीं रोकता है तो मध्य पूर्व नियंत्रण से बाहर हो सकता है। ईरान ने अमेरिका को भी चेतावनी देते हुए कहा कि गाजा में जमीनी कार्रवाई अगर नहीं रोकी गई तो परिणाम भयंकर हो सकते हैं। अमेरिका के कई शहरों में फिलिस्तीन और इसराइल के समर्थन में रैलियां निकाली जा रही हैं। जगह जगह से आ रही तस्वीरों से साफ है कि जनता जंग नहीं बल्कि शांति चाहती है। लोगों की मांग है कि इसराइल गाजा पर अटैक न करे, तो वहीं हमास इसराइली बंधकों को जल्द से जल्द छोड़ दे। इसराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के कारण क्षेत्रीय तनाव बढ़ गए हैं, जिसके कारण अमेरिका ईरान समर्थित समूहों की गतिविधियों को लेकर सतर्क है। अमेरिकी कर्मियों और हितों के खिलाफ बढ़ते सुरक्षा खतरों के कारण अमेरिकी दूतावास ने इराक की यात्रा न करने की एडवाइजरी जारी की है। अमेरिका पिछले कुछ दिनों में लगातार इराक, ईरान, लेबनान जैसे देशों के लिए एडवाइजरी जारी कर चुका है। डेट्रॉयट सिनेगॉग की अध्यक्ष सामंथा वोल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि सामंथा वोल अपने घर के बाहर मृत पाई गई। उन पर चाकू से कई वार किए गए हैं। डेट्रॉयट के डाउनटाउन में स्थित सिनेगॉग ने अपने फेसबुक पोस्ट में बताया कि सामंथा वोल आइजेक एग्री डाउनटाउन सिनेगॉग के बोर्ड की अध्यक्ष थी। न्यूयॉर्क में एक सिख व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। न्यूयॉर्क शहर में 66 साल के सिख व्यक्ति पर आरोपी गिलबर्ट ऑगस्टीन ने हमला किया था। इस हमले में लगी चोट के कारण उनकी मौत हो गई। वहीं न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स ने इस घटना की निंदा की। न्यूयॉर्क में ड्रोन शो का रंगारंग आयोजन किया गया, जहां एक साथ 1000 से ज्यादा ड्रोन आसमान में रोशनी बिखेरते नजर आए। सेंट्रल पार्क के ऊपर ड्रोन से बनी कलाकृतियों को देखने उमड़ी बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ आई। ड्रोन की लाइट से आसमान रंगीन नजर आ रहा था। अमेरिकी खिलाड़ी बेन शेल्टन ने साल का पहला एटीपी खिताब जीतकर इतिहास रच डाला। शेल्टन ने रूसी खिलाड़ी एस्लान कटसेव को 7-5, 6-1 से मात दी। आपको बता दें, जापान की टोक्यो में पहला एटीपी टूर्नामेंट खेला गया था, जहां अमेरिकी खिलाड़ी ने ये जीत हासिल की। कैलिफोर्निया के द ऑकलैंड जू में बेबी जिराफ का जन्म हुआ। जिराफ की जीजी ने अपने पहले बच्चे कैंडी को जन्म दिया, जो एक फीमेल जिराफ है। जू के लोगों ने बताया कि बेबी कैंडी स्वस्थ है और जू उसका स्वागत करता है।